गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। यूपी में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कृषि कानून और गन्ने के बकाया भुगतान के मुद्दे पर मुजफ्फरनगर में महापंचायत। महापंचायत में 300 से अधिक किसान संगठनों के जुटने का दावा, पंजाब हरियाणा राजस्थान के 60 संगठन। बीजेपी नेता राकेश टिकैत की हुंकार, बोले जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। टिकैत ने किसान महापंचायत पर राजनीति से प्रेरित होने के आरोप को किया खारिज, कहा ना तो चुनाव लड़ेगा किसान, मोर्चा नहीं किसी भी राजनीतिक दल को देगा समर्थन। आदमी कोई हो सकता है, उसकी विचारधारा हो सकती है कि जो चुनाव की जिसने बात करी, लेकिन संयुक्त मोर्चे तो चुनाव के पक्ष में नहीं है। टिकैत ने पीएम मोदी और सीएम योगी को यूपी में बताया बाहरी, कहा गुजरात उत्तराखंड में इनकी राजनीति पर एतराज नहीं। इनको यहाँ से जाना होगा, अमित शाह, मोदी और योगी, ये चुनाव जीतना है। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी सीएम योगी पर लगाया आरोप, दंगाई करार देने से भाषा में विपक्षी राजनीतिक दलों की दिखी झलक। उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी, ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है। टिकैत ने किसान आंदोलन को सर्वधर्म संभाव से जोड़ा, कहा पिता महेंद्र सिंह लगवाते थे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में नजर आई महिलाएं, भी सरकार को दी चुनौती। हम लोग बर्दाश्त करेंगे, देखिए ऐसा है, अब तक तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश कोई दिया नहीं कि शांतिपूर्वक बनाए रखने का आदेश दिया है, आगे हम गम नहीं खाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे, बसों की छतों पर बैठकर आते दिखे किसान। अंबाला से हजारों किसान मुजफ्फरनगर आए, बसों और निजी वाहनों से किया सफर। अंबाला से निकले किसानों ने केंद्र सरकार को दी धमकी, अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने भेजा बुलावा तो दिल्ली में भी ऐसा ही दृश्य दिखाएंगे। अमृतसर में बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर आए, सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी। मेरठ में टोल प्लाजा पर दिखा किसानों का जमावड़ा, मुजफ्फरनगर महापंचायत के लिए रवाना। किसान महापंचायत पर बोले योगी के मंत्री सतीश महाना, हम किसानों का करते हैं सम्मान, किसान हमारे साथ। हम किसानों का आदर करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है, इतिहास उठाकर कोई बता दे, इसके ऊपर चाहे डिबेट कर ले सार्वजनिक रूप से कि किसने दिया। रेवाड़ी में सीएम के सामने विरोध करने जा रहे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, प्रदर्शनकारियों मौलिक अधिकार के हनन का हवाला दिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसान महापंचायत का समर्थन किया, किया ट्वीट, धरना प्रदर्शन करने वाले लाखों किसान अपने ही लोग। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, हमें किसानों के साथ सम्मानजनक ढंग से फिर से जुड़ने की जरूरत, उनके दर्द उनके दृष्टिकोण को समझें। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, किसानों और टिकैत के साथ खड़ी है कांग्रेस, हर जरूरत के लिए तैयार। यूपी में किसान आंदोलन की बहती धारा में हर विपक्षी राजनीतिक दल हाथ धोने को दिखा तैयार, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी किया समर्थन। किसान महापंचायत शुरू होने से पहले ही हरियाणा पंजाब के किसान अपने घर लौटते नजर आए, रोहाना के पास दिखी फर्राटा भर्ती गाड़ियां। थम नहीं रहा झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का मुद्दा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे बताया तालिबानी फरमान। बीजेपी का आरोप, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है सोरेन सरकार, 9 सितंबर तक जोरदार आंदोलन की धमकी, राज्यपाल को सौंपेगी बीजेपी ज्ञापन। ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार के निर्णय सरकार को वापस लेनी चाहिए। नमाज के लिए कमरा आवंटन पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का बयान, मैंने कुछ नया नहीं किया था, पहले से थी ऐसी व्यवस्था। उसके लिए एक निर्दिष्ट स्थान का जरूरत होता है, तो इस निर्दिष्ट स्थान उन लोगों के लिए दिया है और ये कोई मैंने नहीं दिया जी, ये बिहार के समय से पूर्व से ही यही परिपाटी आ रहा है जी।
आरएसएस के तालिबान से तुलना कर घिर गए जावेद अख्तर। मुंबई में बीजेपी ने घर के बाहर किया प्रदर्शन। जावेद अख्तर के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने पुतला दहन किया, पुलिस से हुई झड़प। बीजेपी नेता राम कदम ने दी धमकी, जब तक माफी नहीं मांगते जावेद, उनके और उनके परिवार से जुड़ी कोई फिल्म हम नहीं चलने देंगे। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान एक होटल बंद कराने को लेकर पुलिस से विवाद, धरने पर बैठे लोग मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक तेजपाल नागर ने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर सुलझाया मुद्दा। अगर इनके पुलिस के पास कोई ग्राहक या बैठ कर खाना खा रहा हो उस टाइम, तो उसका सबूत दे दे, फोटो खींचे होंगे, इनने वीडियो बनाई होगी, उसका सबूत दे दे, मान लेंगे। दिल्ली पहुंचे असम के मुख्यमंत्री ने कार्बी आंगलोंग बोडो समझौते का दिया हवाला, शांति स्थापना में मदद का किया दावा। सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने 1000 उग्रवादियों के सरेंडर और फिर से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयासों का दिया हवाला। ये जो सरेंडर करेगा 1000 मिलिटेंट और 300 से भी ऊपर सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, ये लोगों का रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग काम करेगा। अंबिकापुर लौटे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बोले हाईकमान जो निर्णय ले वही अंतिम फैसला, मुख्यमंत्री की रेस में है सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच छिड़ी है राजनीतिक जंग, ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री की है चर्चा। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 42,766 नए मामले, 24 घंटे में 308 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 55 नए केस। यूपी के 24 जिले कोरोना से मुक्त हुए, इन जिलों में एक भी कोरोना का केस नहीं। कोरोना के कारण भारत में फंसे 98 पाकिस्तानी लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, अमृतसर में सभी का आरटीपीसीआर करवाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में बुखार का कहर, मरने वालों का आंकड़ा 62 तक पहुंचा। फिरोजाबाद में बढ़ती जा रही है बुखार पीड़ितों की संख्या, 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में अब करीब 500 मरीज भर्ती। यूपी के अरोइया में भीषण सड़क हादसा, परीक्षार्थियों से भरी बस से ट्रक से टकराई, कई छात्र गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में 2 अलग अलग जगहों पर बम से हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर को बनाया गया निशाना, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। झालावाड़ में बजरंग दल के नेता पर हमला, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। झारखंड के सिमडूगा में शर्मसार करने वाली घटना, चोरी के आरोप में 2 महिलाओं के बाल मुंडवाकर उन्हें गांव में घुमाया गया। देवास में दरिंदगी भरी पिटाई, सहने वाले युवक की मौत पर सवाल, पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया था एक्शन, घायल युवक को छुड़ाकर अस्पताल में कराया था भर्ती, लेकिन 4 दिन बाद एक पुल के नीचे मिला उसी का शव। आज टीचर्स डे, पीएम मोदी ने ट्वीट करके शिक्षकों की भूमिका की तारीफ की, युवाओं के मन मस्तिष्क को तराशने में टीचर्स का अहम योगदान बताया। सिरसा में आज से शुरू हुआ मैं भी शिक्षक अभियान, घर घर जाकर लोगों से शिक्षकों और पुलिस की भूमिका में सहयोग की अपील। यूपी में वन विभाग परीक्षा में धांधली को लेकर 3 गिरफ्तार, लखनऊ के हजरतगंज में कार्रवाई। गोंडा के सरकारी स्कूल में अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। असम के विश्वनाथ जिले में ट्रक में अवैध शराब की तस्करी, भारी मात्रा में शराब जब्त। यूपी के बाराबंकी के जंगल में मिला एक वकील का शव, सरकटे शव के पास से मोबाइल और अन्य सामान बरामद। नागपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाते समय डूबने से 5 युवकों की मौत। यूपी के सीएम योगी ने लगातार 3rd दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, गोरखपुर के आसपास बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। बाढ़ से बेहाल है बिहार का मोतिहारी भी, लोग जबरदस्त परेशान। 2 साल से बंद पड़ी चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों ने सरकार ने 3,66,00,000 के राहत पैकेज का सरकार ने इनके लिए ऐलान किया, लेकिन महज 2,000 रुपए का होगा सभी को लाभ।
पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की वतन वापसी पर मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। 9 सितंबर को होगी मुलाकात। टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह आज। भारत ने रचा इतिहास, अब तक का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक की अंक तालिका में 26वें नंबर पर भारत। भारत जीत चुका है अब तक 18 पदक। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने लहराया परचम, जीते 2 गोल्ड मेडल। आज कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता, कल प्रमोद भगत ने देश को दिलाया था सम्मान। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक 5 गोल्ड जीते। अवनि लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद सुमित अंतल और कृष्णा नागर ने स्वर्ण जीते। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में किया कमाल और धमाल, बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में ही मनोज सरकार ने भी ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, फोन किया, कहा सेवा और खेल का अद्भुत संगम आप में देखने को मिला। यूपी के सीएम योगी ने नोएडा डीएम सुहास एलवाई को सिल्वर पदक जीतने पर दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में गोल्डन गर्ल अवनि लखेरा होंगी भारतीय ध्वजवाहक। पैरालंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल के कुल 11 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। बाराबंकी में एसपी नेता पर केस दर्ज, बाइक पर साइकिल बांधकर कर रहे थे पार्टी का प्रचार। उत्तरकाशी में पूर्व राज्य मंत्री की गाड़ी सीज, 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चला रहे थे। नादिया में नकली आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। दिल्ली के चांदनी चौक में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के पन्ना में दिनदहाड़े एटीएम लूटने की कोशिश, 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, 3 हुए फरार। झालावाड़ में बजरंग दल के नेता पर हमला, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल बंद कराने से नाराज विधायक धरने पर बैठे, एडिशनल डीसीपी को फोन किया, तेजपाल नागर ने कहा कि जांच करवा के सही फैसला करवाएंगे। यूपी में वन विभाग परीक्षा में धांधली को लेकर 3 गिरफ्तार, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एसटीएफ की कार्रवाई। यूएस ओपन के महिला वर्ग में पिछले विजेता नाओमी ओसाका बाहर, तीसरे दौर में कनाडा की फर्नांडीज ने दी मात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का तालिबान पर बयान, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे, दोहा में अफगानी कामगारों से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले, दुनिया को तालिबान के वादों पर नजर रखनी चाहिए। राजधानी काबुल की मस्जिदों में नमाजियों की जुटने लगी भीड़, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार जुमे के दिन इतनी संख्या में लोग जमा हुए। नेपाल के राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को संसद सत्र बुलाया, मंत्रिमंडल की बैठक में आग्रह के बाद फैसला। पेरू में एक बस्ती में भीषण आग, 35 घर जलकर खाक। चिली के अशांत मापुचे में एक बार फिर से स्थानीय लोगों ने औद्योगिक कार्यों का विरोध किया, आग लगा दी। पेरू में फिर से स्कूल खोलने की तैयारी, बड़े स्तर पर शिक्षकों का हो रहा है वैक्सीनेशन। इटली के रोम में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की रौनक, दुनिया भर के फिल्म सितारों का जमघट। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अमेरिकी कलाकार क्रिस्टन स्टुअर्ट, मैगी ग्लेनहॉल मौजूद, द लॉस्ट डॉटर के सितारों ने रेड कार्पेट पर चहलकदमी की।